फर्स्ट ब्लॉग होने वाला है और ये मेरा फ्रेंड है विनीत। हम इतना घूमते रहते हैं कि हम एक चैनल स्टार्ट करें तो जिसे आप सबको हमारी जो जगह है यहाँ पे ये वैलीज देखने का पाएं और हम भी खुद को एक्सप्लोर कर पाएं, ताकि हमें बाद में याद रहे कि यार हम यहाँ यहाँ क्या है। वैसे कि हम तो काफ़ी टाइम से घूम ही रहे हैं, बहुत सालों से बचपन से घूम रहे हैं, लेकिन हमने सोचा कि हम क्यों ना मतलब इन जो ये मेमोरीज हैं हमारी इनको हम कैप्चर करें और कहीं एक ऐसी जगह पे हम इसको लगा दें ताकि हम कभी भी बाद में देखना चाहें तो हम देख पाएं इसको। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस हम अभी निकल चुके हैं आगे अपने डेस्टिनेशन के लिए। आज हम जा रहे हैं, हमारे एक फ्रेंड का कैफे है वहाँ पे। यहाँ से राउंड अबाउट टू आवर्स 50 मिनट्स का जो हमारा रन है, जो हमें कॉन्टिन्यूसली चलना पड़ेगा, तो आपको हम दिखाएंगे आगे आगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 4 लेन का काम चला हुआ है आगे, तो इस कारण काफ़ी परेशानी आती है जाते हुए, लेकिन सर क्या है, ये सबकी भलाई के लिए तो होना भी चाहिए। तो अभी हम कह सकते हैं कि हमने अभी अपना हाफ जो वे है वो कंप्लीट कर लिया है। तो यहाँ पे एक देख सकते हैं आप श्री हनोकी माता मंदिर, बहुत ही फेमस टेम्पल है। अगर आप कभी कुल्लू जाएंगे या मनाली जाएं तो आपको ऑन द वे यहाँ पे ज़रूर एक बार दर्शन करना चाहिए। कहते हैं लोग कि इसकी बहुत मान्यता है कि यहाँ से कभी पत्थर गिरे तो हमेशा माता उनकी रक्षा करती है। आप देख सकते हैं ये माता रानी का दरबार, ये माता का मंदिर है, बहुत ही सुंदर। यहाँ पे हवा बहुत है और ये पॉइंट इस तरह का है, बचपन से यहाँ आते हैं हवा का बहुत ज्यादा। हम अभी बंजार पहुंच चुके हैं। ये जो बंजार का हम देखिए, इस रास्ते से हम ऊपर आए हैं तो ये रास्ता है, ये जा रहा है आपका बठाहड़ गुशैणी साइड, जिसे तीर्थन घाटी के नाम से जाना जाता है। तो मुझे लगता है आप सब ने शायद सुना होगा कभी तीर्थन वैली जाना है या तीर्थन के बारे में, तो ये वो रास्ता है जहाँ से स्टार्ट हुआ है अभी हमारी जर्नी यहाँ के लिए। तो यहाँ एक विलेज है सरची, हम वहाँ जा रहे हैं। तो चलिए आपको वहाँ पहुँच के दिखाते हैं वहाँ के व्यूज़। गाइज ये आप देखिए, यहाँ पर किसी ने हट बना है, कितना प्यारा सा हट है बीच में, ये रिवर के उस साइड है आई थिंक। यहाँ पे इन्होंने कुछ एक टिम्बर ट्रेल टाइप या कुछ बनाया होगा जिससे हम उस साइड जा पाए नदी के उस पार। इस प्लेस का नाम है साई रोपा और यहाँ से मुझे कुछ लग रहा है कि कुछ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी स्टार्ट हो रहा है एरिया। गाइस तो अभी हम यहाँ पे पहुँच चुके हैं, हमें हमारा एक फ्रेंड मिला है इसका। तो अभी हम लोग रास्ते में रुके हैं कहीं, तो सरची ये ऑन द वे टू, वी आर ऑन द वे टू सरची। सरची जाते बार का रास्ता है, तो आपको दिखाता हूँ मैं यहाँ के सीनिक व्यूज। ना जाने यहाँ क्या है, ये छोटा सा रास्ता है, शायद किसी गांव को ये जाता होगा। तो गाइस ये है वादियाँ यहाँ की। ये लगता है किसी का कॉटेज है शायद यहाँ पे, बांदल ये प्लेस है ऑन द वे टू सरची। बहुत ही सुंदर हमें लग रहा है, देखिए इसकी स्टार्टिंग जो है। He is looking like an army man. अभी हम रास्ते में हैं, हाफ रास्ता कवर कर चुके हैं नीचे तीर्थन वैली से सरची तक का, और हम बस पहुंचने वाले हैं। गाइस अब दूर से आप देखिए, ये सरची गांव विलेज है, यहाँ पे हम पहुंच चुके हैं। लग रहा है कि हिमाचल में इस बार थोड़ा जल्दी ही स्नोफॉल होने वाला है एज कम्पेयर टू लास्ट ईयर और लास्ट 2 or 3 years। लेकिन अभी क्या है, शाम कितने बजे होती है यहाँ पे, धूप अभी जाने वाली आई थिंक। हाँ यहाँ तो मुझे लगता है कि शायद 1 या 1.5 घंटे का ही धूप रहा होगा। बिल्कुल, तो यहाँ से हम निकलने की तैयारी करते हैं और आगे आपको हल्का सा हम दिखाएंगे जहाँ हम जाएंगे अभी ऊपर, यहाँ से इस विले से ऊपर। अभी हम जो सरची गाँव से ऊपर की तरफ चढ़ते हुए पैदल यात्रा यहाँ से, वाह
आगे चले हैं फ्रेंड्स। मैं शूट करते करते ये कुछ इसको मिला है ऊपर फ्रेंड को मेरे, तो ये बता रहा है कि क्या बनता है विक्की इसका? इसका साबुन बनता है यहाँ पे, साबुन। साबुन, अच्छा मैंने सुना था यार कुछ बचपन में। समझा रहे हैं और नहीं, ये जो पीछे पहाड़ है ना अंकल, ये दिखा रहे पीछे, ये कहाँ कौन सी जगह है पीछे? हिमालय की किन्नर कैलाश आया सारा ना यहाँ से। हाँ मुझे लगता है यार, मुझे लगता है आसपास काफी जंगल है, लोग काट देते हैं, तो मुझे लगता है यार ये बिजनेस करना गलत है। लेकिन ये अगर अपने लिए है, किसी के अपने खेतों की है, तभी वैसे गलत है, लेकिन चलो तभी जरूरत के अगर हम हिसाब से करते हैं आग जलाने तो ठीक है। तो गाइस हम चल रहे हैं, आप देख रहे हैं ये सीधी एकदम सीधी चढ़ाई है जहां हम चले हुए हैं। तो गाइस तो यहाँ पर हम अभी सरची में घूम रहे हैं। ये जो कैफे है नीचे, ये मेरे फ्रेंड का कैफे है, लोकेश नाम है उसका। ये इन्होंने खुद से यहाँ पे बनाया है, कंस्ट्रक्ट किया हुआ है दोनों ने मिलके, लेकिन बहुत ही सुंदर है। और इस लोकेशन में अगर आप, मुझे लगता नहीं वो फ्रेंड यहाँ पर है, राकेश भाई विक्की कहाँ है? वो नहीं है यहाँ पहुँचा हुआ। गाइस तो फाइनली हम सरची विलेज पहुंच चुके हैं, और यहाँ का जो ग्राउंड है मतलब वो देखने में बहुत ही सुंदर और ऑसम लग रहा है, आप देख सकते हैं। पीछे से रुकिए, मैं आपको थोड़ा व्यू दिखाता हूँ यहाँ। सरची विलेज की खूबसूरती है, मैं कहता हूँ सच्ची गंदगी ना फैलाओ यार, मेरे हिसाब से इतनी सुंदर जगह है। तो आप प्लीज गाइस कभी भी आए तो यहाँ पे आप सफाई का जरूर ध्यान रखें। तो जैसे मैं ये उठा रहा हूँ, तो यहाँ पर इसने एक छोटा सा टेंट लगाया है, आपने देखे होंगे ऐसे अगर आप कहीं जाते कैंपिंग साइट्स पे, मनाली साइड या हरिद्वार साइड, मुझे तो वहाँ की याद है कि बहुत ही सुंदर लगते हैं छोटे छोटे हट्स से, आप देख सकते हैं इनके अंदर फैसिलिटीज होती हैं। और चलो नाउ वी आर सेइंग बाय बाय टू दिस प्लेस। तो ये किसी से, विनीत मेरा फ्रेंड ये लग गया था, विनीत किसी से बातों पे लग गया था ऊपर, अभी आ रहा है नीचे। चल यार जल्दी आ भाई, लेट हो रहे हैं, सब नीचे वेट कर रहे हैं। कौन थे भैया मिल गए ऊपर, उनसे लगा था बातों में, वो नीचे चल पड़े। देखो विक्की और वो, तो गाइस निकलते हैं नीचे की ओर काफी तेजी से। व्यू आप एंजॉय कीजिए। हम पहुंच चुके हैं नीचे जीबी में, तो मैं अभी आपको कल सुबह ही दिखा पाऊंगा यहाँ का जो नजारा होगा, या तो हम जहाँ अभी जा रहे हैं कॉटेज में वहाँ के आपको व्यूज दिखाएंगे। सो गाइस फाइनली वी रीच एट जीबी। ये देखिए इसकी मेन एंट्रेंस है यहाँ से। गाइस तो हम अंदर एंटर हो चुके हैं, यहाँ ऊपर जा रही है एक जो बेड है, जैसे हम कार्टून में देखे थे पुराने, जो अगर कोई डक टेल्स देखता होगा जाएंगी को थोड़ा रिलेट कर पाएंगे कि जो बेड है वो ऊपर है और एक बेड नीचे है। ये कुछ बता रहे थे बाहर यहाँ पे कुछ बॉनफायर वगैरह करेंगे, तो हम उसमें भी पार्टिसिपेट करेंगे। अभी कुछ बाहर लोग आए हैं यहाँ पे होटल में। गुड मॉर्निंग गाइस, नेक्स्ट डे अ ब्यूटीफुल डे। बहुत टायर्ड हो गए थे तो हम वीडियो नहीं शूट कर पाए, उसके बाद हमने खाना खाया और डायरेक्ट हम सो गए। हम जा रहे हैं यहाँ से अभी एक दूसरे माहौल में, ठंड है यहाँ पे, अभी वेट कर रहे हैं हम थोड़ा धूप का, वो लोग चाय पी रहे हैं और मैं यहाँ पे बैठा हुआ हूँ थोड़ा चिल करने। ये क्या चीज़ है यार, है तो कम। यहाँ का इस वक्त का टेम्परेचर आई थिंक होगा 1-2 डिग्री के आसपास, हम वेट कर रहे हैं धूप का सुबह से। फाइनली
हल्की सी धूप मुझे ऊपर से नजर आ रही है, आप देख सकते हैं धूप आ जाए तो। लेट मी टेल यू वन थिंग, हम क्या करते थे व्हेन वी यूज्ड टू कम हियर इन समर्स, वी यूज्ड टू बाथ हियर। दिस इज वेरी फेमस रिवर ऑफ जीबी वैली। मुझे कहीं से साउंड आ रहा है कि कोई शायद ये कुछ ट्रेडिशनल चीज। भाई इसको क्या बोलते हैं यार, ये क्या चीज है जी? ये वाइकिंग सीरीज में जब युद्ध होता था तो आगाज करते थे, युद्ध स्टार्ट हो गया। तो आपने यहाँ ये किसी चीज के लिए पर्पस से रखा है या युद्ध तो नहीं होना कहीं? ये वाइकिंग थीम है। अच्छा। तो इसमें आप देख सकते हैं पेंटिंग है। ओके, ये किस चीज की है? ये तो मुझे कुछ थॉट टाइप चीज लग रही है। नहीं जी, ये हमारे रैगनर लॉस्कू के बेटे हैं। ओके, और उनके बाप यहाँ पे हैं। क्या क्या क्या, फिर से रिपीट करिए। रैगनर लॉस्कू थे जो फार्मर थे, जो राजा बने। अच्छा, इन्होंने बताया कि ये रैगनर रॉकथ्रू कोई एम्परर है, इनकी कुछ स्टोरी से यहाँ पे रिलेट इन्होंने ये अपना हट डिजाइन किया हुआ है। और ये इसका बेटा है बता रहा है, क्या नाम है इसका भाई? बेंजन आइंस्टाइन। ओके, प्रेयर लिखी है कुछ है इनसे इसका रिलेट। तो आप कभी यहाँ आए तो आप इस चीज को एक्सपीरियंस कर सकते हैं। निकल रहे हैं हम इस जगह से, तो कहते हैं अलविदा, अगली बार आएंगे तो कभी आएंगे इसके साथ। यहाँ से अब हम जाएंगे मेन रोड की ओर। मेन रोड यहाँ से कुछ 50 मीटर के अराउंड है। ये देखिए, अगर आप ऊपर ऊपर देखिए, आपको दिख रहा होगा मेन रोड। तो ये लोग आगे जा रहे हैं फ्रेंड्स, ये हमें शी ऑफ करने जा रहा है। अभी हम दूसरे कैफे में जा रहे हैं, इनका कुछ है शायद कैफे, एक और कैफे बना रहे हैं। ये कुछ चीज है यहाँ पे क्रिएट कर रखे रखी है इन्होंने। ये क्या भाई, क्या आपने बनाया यार, बताएंगे? कॉन्सेप्ट है, हम कैफे बना रहे हैं। अर्थ वैगन, अर्थ वैगन, इस बोरियो में मिट्टी डाल के इसको कॉम्पैक्ट किया गया है। ओके, तो इससे तो क्या ये गर्म भी रहता है? बहुत गर्म है, बुलेट प्रूफ है। हाँ नहीं, बुलेट तो मैंने सुना है कि ये अर्थ लाइक, ये कुछ मैंने नई आज फर्स्ट टाइम एक चीज देखी जो आप कर रहे हो, बहुत ही सही इनिशिएटिव है यार। ओके, ये सब चीजें कुछ नई चीज है भाई। गाइस, तो अभी हम पहुंचे हैं कैफे में, एक हमारे फ्रेंड का कैफे है यहाँ पे, FM 60, यहाँ पर आए हैं। रात को जो हम रुके थे वो कैफे अलग था, तो अभी इसने हमें दूध दिया है गर्मा गर्म। क्या है, जब आप ऐसा है कि आप हिल स्टेशन में आते हो तो आपको अपनी एक पूरी पैकिंग करके आनी चाहिए, क्योंकि देखिए हम कल, मुझे लगता है मेरे कोई 3-2 स्वेटर्स और एक जैकेट पहनी होंगी, तब हम यहाँ सर्वाइव कर पाए, क्योंकि और ये हैं दूध। फिर मिलते हैं आपसे सुबह सुबह फ्रेश होने से पहले। अगर आप ऐसी जगह पे आते हैं स्टेशन पे, तो अपनी सेहत का ज़रूर आप ध्यान रखें। तो अगर हल्की फुल्की एक्सरसाइज आप कर लें तो दिन भर आपको थोड़ा अच्छा फील होगा और आपका रिलैक्स आपकी बॉडी में। तो गाइस, तो आ चुका है हमारा ब्रेकफास्ट। तो यहाँ ये हम जो मेरा फ्रेंड है FM 60, यहाँ पे इन्होंने बनाया है, यहाँ लोकल है यहाँ का बटर और परांठे गोभी के। और ये चलो करते हैं इसको एंजॉय। गाइस, तो हो चुके हैं हम रेडी और जाने के लिए, आज निकलेंगे मंडी के लिए। तो अभी हैं हम विक्की के कैफे में। मैं आपको बताता हूँ यहाँ का क्या व्यू है। कोई यहाँ आना चाहता है तो रिवर साइड कैंपिंग का एंजॉय ले सकता है, यही रिवर बहती हुई है साथ में। और ये रहा इसका कैफ़े ऊपर, तो कैफ़े नेम इज़ FM 60। आप YouTube पे, गूगल पे सर्च कर सकते हो, कांटेक्ट कर सकते हो नाम। ये इनका मेन कैफ़े है, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, वहां से आप इसकी वीडियोस देख सकते हैं। गाइस, यहाँ पे हमारे गांव के लोकल है, बहुत ही सही बंदे हैं, बहुत ही मेहनती बंदे हैं। इन्होंने काफ़ी काम देखो यहाँ पे किया हुआ, यहाँ नीचे का विक्की के साथ मिल के। जब हम लास्ट टाइम आए थे तब इतना यहाँ पे प्लांटेशन नहीं थी, तो इन्होंने बहुत एनकरेज किया कि इन चीज़ों के लिए। मैं आपको मिलाता हूँ इनसे। आओ कैरू भाई, ये है इनका नाम है कहर कैर, कैरू भाई है। तो कैरू भाई हेलो बोल दो सबको। फिर आप लोगों से आगे रूबरू होते हैं। यहाँ से जो मेन रोड है ये ऊपर है, ये आपका सिर्फ अबाउट
10 मीटर्स के यही रोड है जो कि जलोड़ी पास भी जाता है, यहाँ से होते हुए रामपुर भी जाता है आगे। ये है रास्ता घ्यागी, तो कहते हैं अलविदा और निकलते हैं हमारे नेक्स्ट डेस्टिनेशन के लिए जो कि है हमारा घर। ये नदी है ब्यास, ब्यास का ही पानी है यहाँ पे, आपने सुना होगा पंडोर डैम। यहाँ से हमें मंडी को तकरीबन 1 से 1.5 घंटा लगने वाला है, बस अभी निकलेंगे यहाँ से। तो गाइस पहुँचने वाले हैं हम घर, 10 या 15 मिनट में हम मंडी पहुँच जाएंगे। तो हम करते हैं इस ब्लॉग को यहीं ख़त्म, जल्द मिलेंगे आपसे अगले ब्लॉग में। सो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।